सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जो आपके पास होता है उसका फॉर्मूला है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो यहाँ पे आपको एन को 100 से रिप्लेस करना है, तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। जो भी आप सिंप्लीफाई करें, 2 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 50 आएगा, तो आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 101, तो दैट विल बी 5050। इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि सम निकालिए, सम निकालिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस 20 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास n हो गया 20, ठीक है। अगर n आपका 20 हो गया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6 स्क्वायर्स में ये फॉर्मूला। तो हम क्या रख सकते हैं n की जगह हम 20 रख सकते हैं, 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6। अब जो भी आपके पास आंसर आ जाए 21 इंटू 41 अपॉन 6, 2 3 जा एंड 3 7 जा, तो आपके पास कितना आ गया 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 0, तो ये आंसर। इन द सेम फॉर्मेट अगर आपसे कह दे क्यूब का सम निकालो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस प्लस सपोज करिए 10 क्यूब, तो ये क्यूब का जो सम होता है दैट इज एन एन प्लस 1 बाय 2 होल स्क्वायर। जी क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आप सब बच्चों को? जी सर। तो यहाँ पे आप n को रिप्लेस करेंगे 10 से, 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आपके पास आ गया 100, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर आ गया आपके पास 121 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, जिससे भी आप कैंसिल करना चाहें 4 से ये आएगा 25, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 1 जा 25, 2 जा 52, 25 एंड 5 30 समथिंग, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूले होते हैं एक तरह से, डायरेक्ट अगर हमें कभी जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है HCF। अगर आपको HCF लेना होता है टू नंबर्स का या टू से ज्यादा नंबर का, तो सिंपली आपको क्या करना है, ये सपोज करो 20 है और ये सपोज करो 30 है और मुझे इनका HCF चाहिए, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स लेने, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 2 5 जा 10, 3 जा 30। कैसे करते हो आप? ऐसे आपने सीखा होगा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13, दीज आर प्राइम नंबर्स, तो इनसे डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे सो 10 आएगा, अगेन 2 से डिविजिबल है 5 आएगा, अगेन डिविजिबल है 1 आएगा, तो वी हैव दीज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। फिर आपके पास क्या है, 30 है आपके पास, 30 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से 15 आएगा, 5 से कर सकते हैं 3 आएगा, 3 से करते हैं 1 आएगा, तो ये हमारे पास होते हैं फैक्टर्स। जब फैक्टर्स आ जाएं तो आपको कॉमन देखना है कि दोनों में क्या है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हमारा कहलाता है HCF। सेम फॉर्मेट में अगर हमें LCM भी लेना हो, तो LCM क्या होता है, जो आपके कॉमन फैक्टर हैं उनको तो आप लेंगे, लेकिन जो रिमेनिंग रह गए, रिमेनिंग कौन सा था, 2, उसको भी लेना और 3 उसको भी लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 10 जा 60,
तो HCF आपका यहाँ 10 है और LCM यहाँ 60। उम्मीद ये है कि सब बच्चों को HCF LCM बहुत अच्छी तरीके से पता होगा निकालने। इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है कि अगर हमारे पास एक नंबर A है जैसे अभी हमने 20 लिया और एक नंबर B है जैसे हमने 30 लिया, तो हमारे पास HCF आएगा। जैसे HCF हमारा यहाँ 10 आया और LCM हमारा यहाँ 60 आया, तो आपको ध्यान रखना है ओनली फॉर टू नंबर्स, ओनली फॉर टू नंबर्स। A इंटू B प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हमेशा नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर था 20 और 30 और हमारा HCF आया 10 और 60, तो आप दोनों जगह देख सकते हो प्रोडक्ट 600 आया। तो इस केस में अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन दे दे कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास HCF जो है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 10 है और LCM जो है वो 60 है और एक नंबर जो है वो आपका 20 है, फाइन सेकेंड नंबर। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम कर दें तो यहाँ पे क्या होना है, HCF into LCM is equals to first number into second number, तो आपका second number आ जाएगा, तो B आपका आ जाएगा 30। यहाँ पे HCF LCM में कभी कभी आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई हमारे पास एक नंबर है, एक तो एक्सपोनेंट में दे देता है 2 का स्क्वायर 3 की पावर 5 7, और एक नंबर है B 2 की पावर 5 3 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब, सपोज करो ये दे दे, ये चलो 7 ना दे, तो आपसे कह सकता है HCF बताओ। अगर HCF निकालना है और आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में नंबर्स दिए हुए हैं तो आपको क्या करना है, आपको जो कॉमन टर्म है, जैसे यहाँ कॉमन टर्म 2 है तो 2 की पावर देखनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो HCF में कम वाली पावर लिखनी है यानी कि 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 आ गया हमारे पास। फिर आपको देखना है 3 भी कॉमन है तो 3 में भी जो छोटी वाली पावर है वो देखनी है, तो 3 की पावर 2 छोटी वाली पावर है, 7 दोनों में कॉमन नहीं है, तो यही हमारा आंसर है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। लेकिन अगर आपको LCM निकालना है तो फिर हाईएस्ट पावर लेनी, हाईएस्ट पावर मतलब 2 है कॉमन तो उसकी पावर हाईएस्ट पावर 5 है, 3 कॉमन है तो उसकी भी हाईएस्ट पावर 5 है, और जो रिमेनिंग है वो भी लेना। ऐसे समटाइम ये क्वेश्चन आपको इस तरह से देता है कि ए स्क्वायर बी क्यूब सी एंड ए बी स्क्वायर सी डी HCF और LCM बताओ। तो यहाँ पे HCF में A कॉमन है बट इसकी जो लोवेस्ट पावर है वो 1 पावर है यानी कि A itself, फिर B भी कॉमन है तो B हमारे पास जो कॉमन है वो स्क्वायर में कॉमन है, फिर C भी कॉमन है तो C की 1 पावर कॉमन है, D कॉमन नहीं। लेकिन अगर आपको LCM निकालना है तो LCM में हाईएस्ट पावर लेंगे, A की हाईएस्ट पावर 2 आएगी, B की हाईएस्ट पावर 3 आएगी, C की सिंगल पावर 1 आएगी और D आएगी, तो ये हमारे पास आएगा A स्क्वायर B क्यूब C। इस तरह से देखो, इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं अगर हुए तो। अच्छा मुझे ये बताइए अगर आप लोगों की क्लास 7 बजे से कर दी जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर, क्योंकि 4 बजे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है सर, कल भी लेंगे इंशाल्लाह क्लास 7 बजे। देखो इसमें क्या होता है, अगर आपके फ्रैक्शंस दिए हो, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो, मान लीजिए आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि सर 4/5 है, ठीक है, और 3/7 है, और सपोज करो 1/2 है, और सपोज करो 2/3 है, आपसे कह रहा है इनका HCF निकालो, HCF ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर आपको फ्रैक्शंस का HCF निकालना होता है तो ध्यान रखना जो हमारे पास न्यूमरेटर है उनका तो आएगा HCF,
और जो डेनोमिनेटर है उनका आएगा एलसीएम। तो इनका जो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो इनका एचसीएफ हो जाएगा सर एचसीएफ ऑफ 4312 एंड एलसीएम ऑफ 5723। ठीक है, तो ऊपर अगर आप देखेंगे एचसीएफ करेंगे उसके कॉमन लेंगे तो एचसीएफ कॉमन सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, और जब एलसीएम लेंगे तो नीचे सारे ही नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं और सब अलग अलग हैं तो सभी को लेना पड़ेगा। तो इनका प्रोडक्ट आएगा 5 2 10 और 7 3 21 तो 210। तो इन सारे फ्रैक्शन जो आपके पास थे इनका एचसीएफ होगा 1/210। लेकिन अगर आपको एलसीएम निकालना, अगर आपको एलसीएम निकालना हो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो फिर एलसीएम निकालते कैसे, न्यूमरेटर का एलसीएम और डेनोमिनेटर का एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 4312 एंड एचसीएफ ऑफ 5723। तो 4312 का एलसीएम जो हमारा होगा 4 भी है 3 भी है 2 भी है तो 12 आ जाएगा और एचसीएफ नीचे 1 ही आया क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं, तो ये मैं पास होगा। इसमें ध्यान रखना आप सब बच्चे, कभी भी अगर आपको ध्यान रखना हो कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर है ए बी सी कुछ भी नंबर हो तो एचसीएफ जो होता है हमेशा हमेशा छोटा होता है या इक्वल होता है स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपके अपने ऑप्शन में से आप तलाश कर सकते हो। और जो आपका एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है जो भी आपका हाईएस्ट नंबर है उससे, बड़ा या उसके इक्वल होता है। ठीक है जी, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा स्मॉल है। जैसा मैंने अभी आपसे क्या कहा कि भाई मैंने कहा कि भाई मेरे पास है 1 2 3 5 7 सपोज करो, तो इसका एचसीएफ जो है ना जो इसमें सबसे छोटा है या तो उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। तो एचसीएफ अगर आपको ऑप्शन दिया 1 2 3 5 7 दिया और ऑप्शन दिया हुआ 1 5 10 7 तो ध्यान रखो जो सबसे छोटा नंबर है या तो वो खुद एचसीएफ है या उससे छोटा होगा। तो 1 से छोटा क्या होगा, और एलसीएम जो यहाँ पे होगा वो या तो होगा 7 या उससे बड़ा होगा, 7 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर्टी होती है। चलो चलो कभी कभी आपसे इस तरह की बात भी कर देता है आपसे क्या कह रहे हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60, 103, leaving 5, 12 and 7.
ये आपसे कह रहा है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 29, 61 और 3, लीविंग रिमाइंडर 5, 12 और 7। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए क्या क्या आ रहा है। हमारे पास एक नंबर है 29, एक नंबर है 60 और एक नंबर है 103। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, ठीक है। तो ऐसा नंबर आपको चाहिए जो इनको डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड का मतलब होता है डिवाइजर चाहिए, इनका डिवाइजर। आपसे पहले कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो हाईएस्ट डिवाइजर चाहिए। डिवाइजर का मतलब होता है फैक्टर, तो हाईएस्ट फैक्टर चाहिए, क्योंकि फैक्टर एक से ज्यादा नंबर का चाहिए तो कॉमन फैक्टर चाहिए। तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना। तो अगर मुझे इनका एचसीएफ निकालना है तो बस एचसीएफ निकाल दीजिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया कि वो नंबर इनको पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है आपके पास, लिविंग रिमाइंडर 5, 12 और 7 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब इसमें से ये 29 जो होगा, अगर मैं जिस जो भी मेरा एचसीएफ होगा उससे अगर मैं 29 को डिवाइड करूंगा तो वो फुल्ली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ से रिमाइंडर रह जाएगा 5। तो इसका मतलब 29 तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 29 माइनस 5, 24 फुल्ली डिविजिबल होगा। 60 भी डिविजिबल नहीं है तो उसमें से 12 माइनस करना पड़ेगा तो वो हमारा आएगा 48। 103 भी डिविजिबल नहीं है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा 7, तो ये हमारे पास आएगा 96। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास 29 डिविजिबल नहीं था बट 24 डिविजिबल होगा, 60 डिविजिबल नहीं था पर 60 माइनस 12, 48 डिविजिबल होगा, 103 डिविजिबल नहीं था बट 103 माइनस 7, 96 डिविजिबल होगा। तो फाइनली जो आपको करना है, वो जो आपको एचसीएफ निकालना है, वो एचसीएफ जो होगा अब ये इनको डिवाइड करेगा फुल्ली, तो एचसीएफ ऑफ 24, 48, 96 निकालना। कोई बच्चा बताएगा एचसीएफ क्या होगा इनका तीनों का? 24 24 9। यस, वेरी गुड, ठीक है। एचसीएफ यहाँ हमेशा ध्यान रखिए सबसे छोटा वाला नंबर होता है या उससे छोटा होता है, तो सबसे छोटा नंबर 24 है और वो एचसीएफ जो होता है वो सबको डिवाइड करेगा, तो 24 यहाँ सबको डिवाइड कर रहा है अपने आप ही, तो हमारा एचसीएफ 24 ही आ जाएगा, हमें कुछ फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ क्वेश्चंस कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, जैसे आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है